हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है काबली चने के छोले, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम चना लिया है और उसे रात में ही भिगो दिया था, जो एकदम अच्छी तरह से फूल गए हैं। सबसे पहले हम कुकर में चने को डालकर उसमें लगभग 2 गिलास पानी डालेंगे। अब हम उसमें 1/2 चम्मच नमक पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और प्रेशर लगाएंगे। चने बॉयल हो चुके हैं और अच्छी तरह से पक भी गए हैं। हमने 2 टमाटर लिया है, अदरक लिया है, हरी मिर्च, लहसुन, नारियल, तेजपत्ता, इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे। नारियल को हम भूनकर पेस्ट बनाएंगे। 2 प्याज बारीक काट लिया है। मसालों में 2 चम्मच छोला मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। नारियल को भून लिया है। अब हम नारियल, लहसुन, मिर्च, अदरक का अलग पेस्ट बनाएंगे, टमाटर की प्यूरी अलग बनाएंगे। यह लहसुन, मिर्च, अदरक और नारियल का पेस्ट, ये टमाटर प्यूरी, इसे हमने मिक्सर में पीसकर बारीक पेस्ट बनाया है। शुरू करते हैं छोले बनाना। सबसे पहले 3 चम्मच आयल कढ़ाई में डालकर हम गरम करेंगे। अब उसमें 3 पत्ता डालेंगे। फिर कटे हुए प्याज को डालेंगे। इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से लाल हो जाए और पक जाए। फ्लेम को हम मीडियम पर रखे हैं। प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अदरक, मिर्च, लहसुन और नारियल वाला पेस्ट डालकर फ्राई करेंगे। लगभग 2 मिनट बाद हम इसमें सारे मसालों को ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसालों को अच्छी तरह से भुनेंगे। गैस के फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। इसे हम ढककर लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे।
मसाले भुन गए हैं, तेल भी अलग हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर की प्यूरी हम बाद में ऐड करेंगे, मसालों को पहले ऐड करते हैं। इसे हमने ढककर 2 मिनट पका लिया है। मसाले भुन गए हैं, अब हम इसमें बॉयल किए हुए चने ऐड करेंगे और हमको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। इसे ढककर लगभग 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए छोले तैयार हो चुके हैं और कलर भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। धनिया पत्ती ऐड करेंगे और सर्व करेंगे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से अगर छोले बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इसे चावल, पूरी, रोटी, किसी भी चीज़ से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा।